अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम एनालिसिस संगत हमीदा रशीद हाजिर है। व्यूअर्स, प्रोग्राम में सब का पे असि गाल सिंध समेत पूरे मुल्क में वे पैमाने से निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन पारा मुकर्रियूं बदलियों कई व्यू उन गाल लाड़काणे के तक एन ए 200 की जैसे बाकायदगी से एक दिलचस्प सख्त मुकाबलो नजर अचे पो तई शहीद की औलाद यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जे यू आई अखबार राशिद महमूद सुमरो तक चूंड बड़ी रहा है तो तमाम घड़ो ही दिलचस्प मुकाबलो नजर अचे पो लाड़काणे की ओवरऑल सूरत हाल बाबत असड वीडियो लिंक से मौजूद होंद मुनवर रिंद व्यूवर्स असं गाल प्रोग्राम में कराची की इलेक्शन के हवाले से कराची में इन वक्त सिनारियो वही बीठो है कराची जो आवाम इन वक्त सोचे असासन की अगर गाल वे तो नामजदगी कागज जमा थे पैर असा कुछ हूँ बाद में असा कुछ हूँ आखिर उन हकीकत है इन वाले से गाल बोल कंदासी असके सीनियर सहाफी इमदाद सुमरो साहब असके जॉइन कंदा उन आखिर में असी गाल कंदासी जीडीए जे हवाले सा जीडीए 204 ता मियां मिठू खां जका टिकट वापस वरती आहे इन के आवाम जो रदेबल चाहिए इन हवाले से अज ही उन टिकट या वापस वरती वही है सब का पैर अवं एक रिपोर्ट दिखारी था इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत पारा बाकायदगी से जे वे पैमाने से मुकर्रियूं बदलू कई वह इस्लामाबाद ब्यूरो इलेक्शन कमीशन सिंध में वे पैमाने से मुकर्रियूं बदलू कदे सूबे के आला ऑफिसर सेक्रेटरीज कमिश्नर्स के तब्दील कर छोड़ो इलेक्शन कमीशन तरफा कल प्रेस रिलीज मूजिब सिंध ज 14 सेक्रेटरी ब AIGs 6 कमिश्नर 23 डिप्टी कमिश्नर 14 DIG मुख्तलिफ SSPs तब्दील क्या वहां इलेक्शन कमीशन की पधराई मूजिब मोहम्मद रमजान ऐवान सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट फजला पेचूहो सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक फिशरी डिपार्टमेंट डॉक्टर उस्मान चाचड़ सेक्रेटरी रफीक बोरहो सेक्रेटरी माइनर एंड मिनरल अब्दुल वहाब सुमरो मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवन्यू सिंध मुकर्रर किया वह है हारून अहमद खान सिंध जो घरू सेक्रेटरी डॉक्टर नूर आलम फाइनेंस सेक्रेटरी अब्दुल रहीम सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज इकबाल नफीस चेयरमैन इंक्वायरी एंड एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट मोहम्मद नवाज शेख सेक्रेटरी फूड डिपार्टमेंट काजी शाहिद परवेज सेक्रेटरी सुत्समा एजाज अहमद महेसर सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन एलिया शाहिद के सेक्रेटरी स्कूल एंड एजुकेशन मुकर्रर किया वो है होडा हैदराबाद इलेक्शन कमीशन के हुक्म से निगरान हुकूमत तरफा सिंध में अमलदार मुकर्रियूं बदलियों भी कई व्यून एहसान अली मंगी डिविजनल कमिश्नर मोहम्मद असलम सुमरो DC हैदराबाद सुल्तान ख्वाजा DIG अदिल हुसैन चांडियो SSP हैदराबाद मुकर्रर किया व्यान जो नोटिफिकेशन भी जारी थी वो है तफसील मूजिब सिंध पुलिस में वे पैमाने से मुकर्रियूं बदलियों कई व्यून इलेक्शन कमीशन पारा जारी कल नोटिफिकेशन मूजिब एडिशनल IG क्राइम ब्रांच अमीर अहमद शेख के फाइनेंस वेलफेयर के इजाफी चार्ज डी वही है जावेद अकबर रियाज के DIG लालकान मुकर्रर किया वो है साकिब इस्माइल मेमण के DIG मीरपुर खास मजर नवाज शेख के नवाब शाह जुल्फकार लाड़िक के DIG सखर मुकर्रर किया वो है जडे तो DIG वेस्ट आमिर फारूकी के DIG ईस्ट DIG हैदराबाद जावेद आलमोटो के DIG साउथ मुकर्रर किया वो है DIG साउथ आजाद खान के DIG वेस्ट मुकर्रर किया वो है हैदराबाद में डिविजनल कमिश्नर सईद अहमद मंगनेजो DC अनीस दस्ती DIG जावेद आलमोटो SSP पीर मोहम्मद शाह के बदली किया वो है सदन जाइन से एहसान अली मंगी के नौ डिविजनल कमिश्नर हैदराबाद मोहम्मद असलम सुमरो DC हैदराबाद सुल्तान ख्वाजा DIG अदिल हुसैन चांडियो SSP हैदराबाद मुकर्रर किया वो है जी व्यूवर्स रिपोर्ट अवां डिठी मुकर्रिन बदलिन के हवाले से हाँ रुक क्यों था लाड़काणे जो लाड़काणे की तक एन ए 200 जैसे इंतहाई सख्त दिलचस्प मुकाबलो थे वही रो है जी व्यूवर्स इन तक से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी JUI पारा राशिद महमूद सुमरो साहब विच में ही जो मुकाबलो थे वही रो है लाड़काणे जिले की ओवरऑल सूरत हाल बाबत गाल बोल क्यों था असें वीडियो लिंक से जॉइन किया है पा मुनवर रिंद अस मौजूद ब्यूरो चीफ लाड़काणो वही मेहरबानी मुनवर रिंद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी चेयरमैन राशिद अहमद सुमरो विच में जो ही मुकाबलो थे वही रो है इन तक 200 इन 200 त्या ऐसो ओवरऑल सिचुएशन लाड़काणे जिले की 2018 की इलेक्शन के हवाले से खास तौर से ही जो दिलचस्प मुकाबलो थे वही रो है तो इन में आवाम जो कड़ो रिएक्शन ऐसो पाया लाड़काणे के पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो गढ़ सड़ो वे
हा जी अमीदा, 2018 जी इलेक्शन जे हवाले सां जेके आम चूंडूं थियण थियूं वञनि, तमामु घणी सियासी सरगर्मी शुरू थी वई आहे। लाड़काणे जे ॿिनि क़ौमी असेंबली ऐं चारि जेके सूबाई असेंबली जा तक आहिनि, उन्हनि ते मुख़्तलिफ़ उमेदवार जेके आहिनि उन्हनि पंहिंजी वर्क जेकी आहे उहा शुरू करे ॾिनी आहे। लाड़काणे जा जेके ॿ क़ौमी असेंबली जा तक आहिनि उन्हनि में एन ए 200 वारो जेको तको आहे उहो इंतिहाई अहम आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हिन तक जो उमेदवार आहे ऐं संदसि जेको मुक़ाबले में आहे JUI जो अॻुवाण उमेदवार आहे मौलाना राशिद महमूद सुमरो। ऐं हिन तक जे हवाले सां ॿुधाईंदो हलां त हिन तक ते इंतिहाई दिलचस्प सूरत हाल आहे, छो जो हिकु पासे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जेको उमेदवार आहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी उहो शहीद राणी बेनज़ीर भुट्टो जो फर्ज़ंद आहे, ऐं ॿिए पासे शहीद डॉक्टर ख़ालिद महमूद सुमरो जो फर्ज़ंद मौलाना राशिद महमूद सुमरो आहे। त हिन हवाले सां ॿई शहीदनि जा जेके आहिनि पुट आहिनि ऐं ॿई हिकु ॿिए सां मुक़ाबले में आहिनि ऐं तमामु घणो दिलचस्प मुक़ाबिलो आहे लाड़काणे में। ऐं वोटरनि जे हिसाब सां बि ॿिन्हिनि जे जेके उमेदवार आहिनि उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो इम्तिहान आहे, त ॿई जेके शहीदनि जा फर्ज़ंद आहिनि त वोटर जेको आहे उन्हनि खे पंहिंजो वोट कंदा। त हिन हवाले सां हिन तकत जी सूरत हाल बि इंतिहा दिलचस्प आहे। ऐं हिन सां गॾोगॾु एन ए 201 उन ते ख़ुर्शीद अमन जूनी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उमेदवार आहे ऐं संदसि मुक़ाबले में GDA जो उमेदवार उनड़ ख़ानदान जो हिकिड़ो फ़र्द आहे ॾाॾो अलाबख्श ख़ान उनड़। इन ॿिन्ही उमेदवारनि में बि तमामु सख़्तु मुक़ाबिलो आहे ऐं हिन तक ते बि जेको आहे 1-to-1 ॿिन्ही उमेदवारनि जो जेको उहो मुक़ाबिलो थियणु वञे पियो। त अहिड़े हवाले सां ॿुधाईंदो हलां त हिते इलेक्शन जी दिलचस्प सूरत हाल थी वई आहे। जीअं जीअं इलेक्शन जा ॾींहं वेझो ईंदा वञनि पिया तीअं तीअं जेकी आहे सूरत हाल उहा दिलचस्प थींदी पई वञे। अहिड़े हवाले सां ॿुधाईंदो हलां त लाड़काणे जो PS-10 आहे रतो देरो। PS-10 ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी उमेदवार आहे अॻूणी MNA फरियाल टालपुर ऐं संदसि मुक़ाबले में आहे PTI जो उमेदवार आहे अमीर बख़्श ख़ान भुट्टो। हिन तक ते बि इंतिहाई सख़्तु मुक़ाबिलो आहे ऐं ॿई उमेदवार जेके आहिनि उहे पंहिंजे वोटरनि वटि वञण जो उन्हनि जो जेको सिलसिलो आहे उहो शुरू थी चुको आहे। ऐं हिन तक ते बि जेको आहे इहो ॿुधायो पियो वञे त तमामु घणो ऐं सख़्तु मुक़ाबिलो थींदो। इन हवाले सां PS-11 लाड़काणो वारे तक ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे पारां निसारामंद खोड़ो उमेदवार आहे MPA जो ऐं संदसि जेको मुक़ाबले में आहे GDA जो उमेदवार आहे मौज़म अली ख़ान अब्बासी। त हिन हवाले सां ॿुधायां त हीअ बि अब्बासी ख़ानदान हमेशह जेको आहे घणो अरसो हिननि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां रहियो ऐं उनखां पोइ हाणे जेको आहे हू पीपल्स पार्टी खां नाराज़ थी करे पंहिंजी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर हिननि ठाही आहे। ऐं हिन वक़्तु जेको गॾियल इतिहादु आहे GDA जो उनजे तरफ़ां मौज़म अली अब्बासी उनजो उमेदवार आहे। त हिन लाड़काणे वारे तक ते बि 34 जो मुक़ाबिलो आहे ऐं ॿई उमेदवार जेके आहिनि उन्हनि में 1-to-1 मुक़ाबिलो थियणु पियो वञे ऐं ॿिन्ही उमेदवारनि जेको आहे पंहिंजनि जेके वोटर्स आहिनि उन्हनि वटि वञण जो सिलसिलो शुरू करे ॾिनो आहे। त हिन हवाले सां ॿुधाईंदो हलां त हीअ लाड़काणे शहर जो अहम तक आहे ऐं UC 1 खां UC 15 ताईं 15 UC हिन PS-11 में अचनि थियूं ऐं कुझु जेको आहे लाड़काणे जो बराड़ी वारो जेको इलाइक़ो आहे उहो हिनखे लॻे थो त हिन तक ते बि इंतिहाई सख़्तु मुक़ाबिलो आहे। ऐं उनखां पोइ PS-12 आहे। PS-12 ते अॻूणो सूबाई घरू वज़ीर सुहेल अनवर सियाल हिन तक जो ते उमेदवार आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारां ऐं संदसि जेको आहे मुक़ाबले में आहे फंक्शन लीग पारां जेको GDA जी जंहिंखे सपोर्ट आहे अकबर शाह राशिदी। हिन तक ते बि तमामु घणो मुक़ाबिलो आहे छो जो हिन खे बीड़ो चांडियो सर्किल ऐं कंगा सर्किल ऐं लाड़काणो जा कुझु इलाइक़ा जेके आहिनि उहे बि लॻनि था। हिन तक ते बि ॿिन्ही उमेदवारनि में तमामु घणो हिकिड़ो दिलचस्प ऐं सख़्तु मुक़ाबिलो थियणु वञे पियो। त अहिड़े हवाले सां PS-13 आहे जेको ॾोकिरी ऐं बाकराणी जे हवाले सां। त हिन तक ते जेको आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारां हिज़बुल्लाह अबुगियो उमेदवार आहे ऐं संदसि मुक़ाबले में जेको उमेदवार आहे उहो उनड़ ख़ानदान जो फ़र्द आहे आदल अल्ताफ़ उनड़। ऐं आदल अल्ताफ़ उनड़ जेको आहे GDI जो उमेदवार आहे ऐं उनखे मुख़्तलिफ़ ॿियनि पार्टियुनि जी बि सपोर्ट आहे। हिन तक ते इंतिहाई सख़्तु मुक़ाबिलो ॿुधायो पियो वञे त हिन तक ते तमामु घणो मुक़ाबिलो आहे ऐं ॿई उमेदवार जेके आम्हूं साम्हूं आहिनि ऐं थोरे ई वोटनि जो डिफरेंट थींदो जंहिं ताईं को न को उमेदवार जेको आहे उहो सुभारो थींदो। त अहिड़े हवाले सां अमीदा जेके इलेक्शन 2018 जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कई वई त हिन तक ते मुख़्तलिफ़ जेके इहे उमेदवार आहिनि उहे बीहारिया विया आहिनि ऐं जिन जेको आहे पंहिंजे तकनि में जेको आहे सरगर्मियूं शुरू करे ॾिनियूं आहिनि।
पीएस जो बारह की अवं गाल कई या इन 200 की लाड़काने की गाल कई जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी उम्मीदवार है तो हाँ ऐसो यो है बिलावल भुट्टो जरदारी नौजवान उम्मीदवार आदा मौलाना राशिद मोहम्मद सुमरो है जे यू आई जो उम्मीदवार है तो मानू जे बिन्हीं उम्मीदवार में पुर उम्मीद आन पाँजा पाँजा वोटर जे उन्होंने जो वर्क कन पाया उनके वोट दियण के लिए मुख्तलिफ़ मानून के वट वन पाया मुलाकातू कन पाया कार्नर गर्जाणियों जो जो सिलसिलो है वो भी शुरू थी वो मुख्तलिफ़ महल में कार्नर गर्जाणियों भी क्यों पन हर एक उम्मीदवार पाँच पार्टी जो उम्मीदवार वो पाँच तक में जो पाँच वोटर वट वही कर वोट वन के लिए चई रो कार्नर गर्जाणियों वो माहौल मौसम वह भी शुरू थी चुकी है 25 जुलाई से यकीन जी इलेक्शन थे वे पी इन में जे भी पार्टियों जो उम्मीदवार आमो सामू आन उन्होंने किस्मत जो फैसलो वो आवाम कंदी आवाम 25 जुलाई से जैसे पाँजन उम्मीदवार के वोट दई खटाई तो ऐसो यो है उन इलेक्शन खटने का उम्मीदवार जिनके आवाम आला ऐवान तीन पहुँचाई तो ऐसे तो वो उन उम्मीदों से केतो पूरा लहन था तो इन वक्त जो लाड़काने में जी सियासी सूरत हाल वो इनता ही दिलचस्प इलेक्शन वो जो मरहलो वो हाँ इन मरहल में दाखिल थी वो तो उम्मीदवार जो पाँजन तकन में जेके वो कार्नर गर्जाणियों कन पा जी ठीक है अ वड़ी मेहरबानी अवान जी लाड़काने का बो चीफ मुनव्वर रिंद असा गड वीडियो लिंक में मौजूद हो लाड़काने की जी इन वक्त की इलेक्शन की सूरत हाल है सिमूरो जो सिनारियो वही बीठो है दिलचस्प मुकाबला जी थे वन पाया तो उन हवाले से तफसील दई रो हो नाज़िन अगर गाल कई वे कराची इलेक्शन की त हाँ कराची जो इलेक्शन थे वे पो त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी समेत पीटीआई तमाम घनी सरगर्म नजर अचे पी त हाँ जो कराची जो सिनारियो है वो वही बीह कराची जो आवाम है वो तो सोचे उन अलावा गाल कहीं असासन के हवाले से पर फिलहाल हूँ था नड़ी साई की तरफ साई का एक दफो बीहर हाजिर हूँ जी व्यूअर साई का एक दफो बीहर प्रोग्राम में भलीकार चंदी हाँ असि गाल जैसे असासन जहा तफसील भी सामू अची चुका 2018 जो ही इलेक्शन थे वे पो तड़ा केतरा ही सवाल जन्म वन था असासन जहा तफसील चूंडन का पेरें नामजदगी फॉर्म जमा करण का पेरें कुछ हूँ बाद में कुछ हूँ तो आखिर इन पोया हकीकत छाए कराची जो सिनारियो इन वक्त वही बीठो है इलेक्शन के हवाले से आवाम की जी राय है ओवरऑल सूरत हाल बाबत गाल बोल क्यों था असा इन वक्त ज्वाइन कर है पा सीनियर साहबी इमदाद सुमरो साहब अस मौजूद हैं वही मेहरबानी इमदाद साहब प्रोग्राम में टाइम दियल है सब सब का पे अवा इन हवा से कड़ी राय दियण चाहिए असा लीडर उ इनकम का असासा जाहिर थन्दन नामजदगी फॉर्म जमा थे तो समझो आखिर अस मुल्क के केर संवार तकरीबन सभी लीडर जी असासा हूँ उ इनकम का असा जी सियासतदान इो ही समझो वे तो मिल्कियत अगर बीठा जी बाबा सब का पे गाल है बहसियत कौम अस सच गल तो शायद छे दिनो जेतरा भी असासा जाहिर थे तो मिसाल दिया तो क्लिफ्टन डिफेंस के बंगलन की कीमत 10 लख 20 लख 30 लख पे अचे जो वो मिसाल बिलावल हाउस कराची की मिल्कियत 30 लख दिखल हूँ जैसे नॉर्मल मार्केट में वन तो शायद 10 अरब रुपए के बराबर आ तो कें सियासतदान अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान में कें सच नजर आयो सभी पी मिल्कियत उनमें इशू आन एक तो उन्होंने मिल्कियत तमाम घट दिखारी है नंबर भी गाल कही है तो उन्होंने मिल्कियत जब मिल्कियत उन्होंने शो कई जहिर कई उनकी कीमतू तमाम इन घट दिखारियन इो सिर्फ सिर्फ इलेक्शन कमीशन उन सब का आवाम के अखियन में धूड़ विझण के बराबर आ हाँ यो इम्तिहान है मुल्क के इदारन जो नैब जो एंटी करप्शन जो FIA जो तो वो इन गाल के दिसन तो आया जो इन पैसा जो शो क्या मिल्कियत जहा ये दुरुस्त आन या ना छो जो इो भी एक गलत आ समझा तो आर्टिकल 62 के जुमरे में अचे तो यो इन कूड़ गलो है जै मू के शख्स की जो मिल्कियत 1 करोड़ रुपया है वह 50,000 या 1 लख रुपये दिखारे वही है
नंबर भी गाली या तो इन गाल चीफ इन्वेस्टिगेशन थियन घुर्जे तो उन्हें पांचों केतरी मिल्कियतूं लिकायूं आन हर बार बच्चे के हल्के में रहने लगा मानों के या जगह ऐसा खबर आप तो फलानो सियासतदान आ उन्हें जी केतरी मिल्कियत आप आई वो केतरन केतरन असासा जाप जो मिल जो मालिक आ तो मुझे ख्याल में ही जगह बैठे इशूज आन बदकिस्मती शोभो जैमें अची करें हकन की जिदोजहद पान से वाबस्ता मान हकन की जिदोजहद मुल्क के बेहतर का बेहतर तरीके से वी वो पर पाकिस्तान में खास तौर पर सिंध में उनके उबत अचे तो अस सियासत में वो अचे तो जो मुआशरे जो बदकिस्मती से नाकारा मानू आ जैसे सरकारी नौकरी नी मिले तो वो वही तो सियासत में अचे हिंसर सियासत धंधो वो प्रोफेशन वो इबादत खिदमत एको सुठो माना जज्बो न थो सियासतदान इतने अचे तो कौमी असेंबली के हल्के में 4 करोड़ कौम सूबाई असेंबली के हल्के में 2 करोड़ रुपया लगाए उनकी हतल इम्कान कोशिश होंगी तो उनका माना डबल न तो 4 दफा 5 दफा फायदा हासिल करे तो तिठो हों तो लोटाक्रेसी जो लफ्ज भी तमाम घो इस्तेमाल जो हूं तो सियासतदान ला गार हो घुर्जे पर सियासतदान उन खुश खुश कबूल कर पार्टी की वफादारी तब्दील क पे आवाम से दोखो कहे सियासी पार्टी से दोखो कंक्लूसिवली गाल तो पाकिस्तान जो खास तौर से सिंध जो सियासतदान वो सियासत में सिर्फ सिर्फ पैसा कमायण अचे तो अच्छा इमदाद बाकी सियासतदान समेत अगर असा हूँ तो मिसाल खोड़ा हैं पर मरियम नवाज साहिबा जो ही मिसाल वरतो वे तो उनजा जी असासा उसे चूंडन का अग कुछ हुआ हाँ कुछ जाहिर क्या वह तो अड़ी तरह आहिस्ते आहिस्ते सभी जी असासा उ सामू अची चुका तो जो पानामा केस जो एडो वो ड्रामो रचो वो है ड्रामो ही चाहबो छाकाण ये रिपीटेशन वरी थी या वरी थियण वही रो है इंदड़ वक्त में ऐसो जो पानामा केस हो न वो इंटरनेशनल मीडिया जो सो उनमें पाकिस्तान जहाँ बैठे टॉप जहाँ साफ ही शामिल हा असो असा कम कड़ गड उमर चीमा भी शामिल हो जिन उन हर पासा दिसा असि सिंधी मीडिया वागुर नो रवायती जेलो जर्नलिज्म या जेलो जर्नलिज्म मीडिया थी तो फलान जहाँ एतरा पैसा असा जाहिर थे रिश्वत वन इम्कान फाट फाटन इम्कान ये सब शूंद बाकायदा तौर से उनकी इन्वेस्टिगेशन थी शे दिखी वी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस गरिया क्या वा उन वास्तेदार फर्द हों उन मैसेज के जरिए ईमेल के जरिए फोन के जरिए राबो किया तो ये शे तमू आई है तुम मौकफ दियो तो पानामा के पेपर्स में ये सब जहाफ लवाजमा अतन वो पूरा क्या वन उ हर सियासतदान जिनका पानामा में पेपर जिनका आकामान जिनजू बारे मिल्क में मिल्कियतूं वो बिल्कुल दुरुस्त है वो सब पैसो जो अवजो तवजो असो है यो रोड रस्ते जो पैसो यो गटरन जो पैसो यो मासूम मानून के तालीम जो पैसो ही वो पैसो जो हेपाटाइटिस बी सी के मरीजन की जहाँ दवा जैसा हड़प कई है वो पैसो जो इन आवाम के लिड़ी से लत डी पेर से लत डी है वो पैसो जो इन दौलत के अंबार वही बारे मुल्क में गड क्या इमदाद परे नथा वनू अस अगर असाबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हाँ जी निगरान वजीर आजम पाकिस्तान जहाँ उन असासा जैसे सामू आया तो उसे भी तमाम घना हैरत अंगेज हैं आवाम के जहनन में असा सभी के जहनन में यो सवाल जरूर इतने अचे तो निगरान वजीर आजम के उन असासन की जाँच थी बिल्कुल जाँच करें घुर्जे रुको सियासतदान के कटड़े में प्यार घुर्जे जज जनरल सरकारी मुलाजिम ब्यूरोक्रेट इवन अस साफ छो दूँ हर मानू के असासन की जाँच करें घुर्जे असरी असासा डिक्लेयर कर घुर्जन ताकि आवाम जो मुख्य टीवी से भाषण दी तो बुधे तो उनके खबर हो इमदाद की जहाँ पघार केतरी है उनका असासा केतरा कड़ी लेवल जिंदगी तो गुजारे इमदाद में मुराद यह है जे साफी उनके अलावा जे ब्यूरोक्रेट उका करप्शन कन था सिर्फ इन जरिए जाहिर थी जो मैंडेटरी करार दिनो वे सुप्रीम कोर्ट के तरफ का या उन कानून साफी कई वे तो वह असाफा के चैंस जाहिर करें ताकि आवाम के खबर पे
त फलाणो जेको ब्यूरोक्रेट आहे उणिवीह ऐं वीह जहिड़े जो ऑफिसर आहे जंहिंजी ॾेढ लख खां ॿ लख पघार आहे, उहो अहिड़े क़िस्म जी ज़बरदस्त ज़िंदगी कीअं थो गुज़ारे, होॾे डिफेंस क्लिफ्टनि में बंगला कीअं आहिनि, उहो साल में जेको आहे सो अठ दफ़ा मुल्क खां ॿाहिरि कीअं थो वञे। बिल्कुलु अहिड़े तरीक़े सां फ़ौजी ऑफिसर जी, बिल्कुलु अहिड़े तरीक़े सां आर्मी जे ऑफिसरनि जे असासाजात जी जेका आहे जांच बि थियणु घुरिजे ऐं उन्हनि खे अहिड़े ई तरीक़े सां पब्लिक करणु घुरिजे जीअं सियासतदान जी दौलत खे पब्लिक कयो वियो आहे। इमदाद, वक़्त घटि आहे ऐं मां हिते आख़िरी सवाल अवां खां इहो ज़रूरु ॼाणणु चाहींदमि, कराची जी सियासत ते पाण अगरि असां ॻाल्हि कयूं त जेका इलेक्शन थियणु वञी रही आहे हिन वक़्तु, जेको कराचीअ में सिनारियो नज़र अचे पियो, छा थो लॻे अवांखे? छाकाणि त एम क्यू एम जो जेको वोट बैंक हाणे हूंदो हुनजो अंदाज़ो लॻाइणु को मुश्किल ॻाल्हि नाहे, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं पी टी आई तमामु घणियूं सरगर्म नज़र अचनि पियूं। अवाम जी अगरि ॻाल्हि कई वञे त अवांखे छा थो लॻे, जेको अवाम आहे उहो वापसि आज़माइलनि खे आज़माईंदो? कराचीअ में मुंहिंजे ख़्याल में जेको असां घिटी घिटी घुमूं था, असां ॾिसूं था त कराची जी सूरत हाल हिन दफ़े कतई तौर ते मुख़्तलिफ़ वेहंदी। 2013 वारी जेकर इलेक्शन खे असां हिकु लिटमस पेपर जे तौर ते खणी ॾिसूं त उन इलेक्शन में 17 जेके आहिनि से सूबाई असेंबली जूं 20 मां 17 सूबाई असेंबली जूं सीटूं एम क्यू एम खयूं हुयूं ऐं तक़रीबन जेको आहे सो 8 क़ौमी असेंबली जूं सीटूं ई खणी वञण में कामयाबु थिया हुआ। पर हिन दफ़े ईअं थींदे नज़र कोन थो अचे, छो जो जेका एम क्यू एम जी जेका कामयाबी हूंदी आहे उन कामयाबी जे पुठियां आवाम जो असरु घटि, पर एम क्यू एम जी दहशत, धौंस, धांधली ऐं जेको ही खपाणदान, छो जो तव्हांखे यादि हूंदो अठ इलेक्शन जा हल्का त अहिड़ा हुआ जिते वोट जेके आहिनि से 90,000-92,000 दाख़िल आहे, पर जॾहिं गणप थी त उते वोट जेके आहिनि 1,00,000 खां मथे थिया। कराची जी काफ़ी बिल्डिंगूं अहिड़ियूं आहिनि जिन जी निशानदाही थी चुकी आहे त उन 120 गज जे घर में जेको आहे 10,000-12,000 माण्हू रहनि था। उन खां पोइ टियों जेको एम क्यू एम कंदी आहे जेके असां प्री पोल रिगिंग चऊं, माना इलेक्शन खां पहिरीं जी रिगिंग, त हिकिड़े माण्हू जो हल जेको आहे सो वोट कोरंगी में बि दाख़िल हूंदो, लालू अकेडमी में दाख़िल हूंदो, नाज़माबाद में दाख़िल हूंदो। एवरेज हिननि जा जेके माण्हुनि जा 20-22 हज़ार हर इलेक्शन में वोट मुख़्तलिफ़ हंधनि ते दाख़िल हूंदा। पर हींअर हिकु त हिननि जी एम क्यू एम वारनि जी दहशतगर्दी मुकमल तौर ते ख़तमु थी चुकी आहे, कंप्यूटराइज सिस्टम थियण जे करे के माण्हू लाइ शायदि हाणे मुमकिन न हुजे त हू ॿ दफ़ा टे दफ़ा वोट कास्ट करे। तमामु ज़बरदस्त कराची में अमल आहे, रेंजर्स जी माना सख़्ती आहे, पुलिस जी सख़्ती आहे, फ़ौज खे तैनात कयो वेंदो, तंहिंजे करे एम क्यू एम जा त उहे रिज़ल्ट बिल्कुलु न ईंदा। आहे वॾी महिरबानी अवांजी इमदाद सूंगो साहिबु, सीनियर सहाफ़ी अदा सिंह असां सां गॾु हिन वक़्तु गॾु हुया ऐं पंहिंजो जेको राय आहे उहा ॾेई रहिया हुआ कराची जे इलेक्शन जे हवाले सां ऐं असासनि जे हवाले सां। त व्यूअर्स, जेका हाणे इलेक्शन थियणु वञी रही आहे, वोट तमामु घणो ज़रूरी आहे, वोट जो इस्तेमालु तमामु घणो सोचे सम्झे करणु घुरिजे, वोट जो इस्तेमालु ज़रूरु करणु घुरिजे, छाकाणि त जेको वोट अवांजो जेको हिकिड़ो वोट आहे उन सां अवांजो अवांजे ईंदड़ नसुल जो जेको मुस्तक़बिल सलाड़ियल आहे, तंहिं करे वोट जो इस्तेमालु सोचे सम्झे कयो वञे। प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं पर फ़िलहालु हलूं था नंढी साई जा साई खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर हाज़िर थींदासीं। साई खां पोइ अव्हांखे भलीकार चवंदासीं। व्यूअर्स, हाणे असीं ॻाल्हि कंदासीं तरीक़े इंसाफ़ अञा इलेक्शन विड़ी नाहे, पर उनजी पाण में वेड़ जेका आहे उहा जीअं जो तीअं जारी आहे, छाकाणि त पहिरियां जेके शहर एहतजाज कया विया उहे पी टी आई चेयरमैन इमरान ख़ान जी ख़ातिरी खां पोइ एहतजाज त ख़तमु थी विया, पर हिन वक़्त ताईं जी पी टी आई में जेका टिकेटुनि जे विरासत जे हवाले सां ॿियनि मामलनि जे हवाले सां जेके इख़्तिलाफ़ रहिया आहिनि, इन इख़्तिलाफ़नि सां पार्टी ते ईंदड़ इलेक्शन ते कहिड़ा असर पवंदा इन वक़्तु ई ॿुधाईंदो? छाकाणि त हिन वक़्त ताईं जेके खुलियल इख़्तिलाफ़ साम्हूं आया आहिनि शाह महमूद कुरैशी ऐं जहांगीर तरीन जे विच में जेके इख़्तिलाफ़ आहिनि, जेके ग्रुप आहिनि, उहे त कंहिंखां लिखियल न आहिनि, पर जॾहिं शाह महमूद कुरैशी साहब खां जहांगीर तरीन जे हवाले सां हिकु सवालु पुछियो वियो त शाह महमूद कुरैशी साहब जो छा चवणु हो, उन ते नज़र विझूं था। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान कर कहता हूं, मेरी कोई उनसे जंग नहीं है। क्यों मेरी जंग? देखो बात सुनो मेरे तरीन भाई, ईमानदारी से बताओ, मेरा कोई जायदाद का झगड़ा है? मेरा कोई ज़मीन का झगड़ा है? मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। मेरा भाई है, दोस्त है, हम इकट्ठे काम करते रहे हैं। और ये बताओ, सियासत का कंपटीशन हो सकता है ना? जो बंदा खेल में ही नहीं है, जो बंदा इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता,
जो जिसका जिसका खेल में कोई जिक्र नहीं है। मैं उसे झगड़ा लगाऊं, मैं पागल हूं? मैं क्यों झगड़ा करूंगा? मेरा तो उसे झगड़ा बनता ही नहीं है मेरे भाई। इज नॉट इन द गेम। जो बंदा गेम में नहीं है, मेरा झगड़ा करके पागल हूं करूंगा झगड़ा उससे? आप सियासी जहन रखने वाले लोग हैं, मुझे बता दे। इतना हौसला तो होना चाहिए था कहने का कि सिकंदर बोसन को कौन लाना चाह रहा है? वो ऑन क्यों नहीं करते जो लाना चाह रहे हैं? जो उनके सिफारशी हैं वो क्यों नहीं आके कहते कि हम लाना चाह रहे हैं? मैं तो कह रहा, मुझे कोई रब्ता नहीं है, मैं उनका वकील नहीं हूँ, मैंने उनकी वकालत नहीं की। मुझे उन कारकुनों का एहसास है जो कारकुन इंतजाज कर रहे हैं। ऐसा कौन कर रहा है? कौन उनकी सिफारिश कर रहा है? कौन मुलाकातें करवाता है? वो ऑन क्यों नहीं करते लोग? उनमें इतनी खलाकी जरूरत क्यों नहीं है कि वो कहें कि हाँ हम सिकंदर बोसन को ला रहे हैं? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बच्चा, मुझे पता है किसी के हाथों में खेलना आसान होता है, मुझे ये भी पता है कि किन लोगों के क्या ख्वाहिशात हो सकती हैं। अल्लाह खुश रखे सबको। आप बच्चे नहीं हैं, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। प्लीज़ मेरा इम्तिहान ना लें। अब मुझे पता है आपको जवाब भी पता है। आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, मैं बहाल नहीं है, मैं बंटे नहीं खेलता रहा, 37 साल सियासत करने लगा रहा। आगे चले, ये फरमा दीजिएगा कि कौन लोग हैं जो सिकंदर बोसन की मुलाकातें इमरान कासिम कराते हैं? ये वही सवाल है जो मेरे भाई ने किया है। आप जरा थोड़ी सी तहकीकाती जर्नलिज्म का मुजाहरा करें। आज बनी गाला में लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनको मैंने भेजा है? नहीं, मैंने नहीं भेजा। जिन्होंने भेजा है उनको पता होगा जिन्होंने भेजा है। ए सारा टोला मेरे खिलाफ इकट्ठा होएगा, मेरे खिलाफ नोट भी चलेंगे, मेरे खिलाफ एके भी होंगे, मेरे खिलाफ साजिशां भी होंगियां, अंदरों भी होंगियां, बाहरों भी होंगियां। लेकिन जेला जिन्हों अल्लाह ते भरोसा होवे उन्हें डर काता जिन्हों रखे उन्हें कौन चखे। इस वास्ते मैनू कोई परवाह नहीं, मैं मकसद की सियासत करनी है, मैं निजरिया की सियासत करनी है, केड़ा आंदा आ जावे परवाह नहीं। जी व्यूअर्स, वीडियो वा डिठी अवां डिठो त क्लियर नमूने सां जेको हिकु इख़्तिलाफ़ु आहे उहो नज़र अचे पियो। शाह महमूद कुरैशी साहब जी ॻाल्हियुनि मां इनडायरेक्टली उन्हनि जहांगीर तरीन साहब जे हवाले सां जेके ॻाल्हियूं चयूं त इन हवाले सां फौरन जेको हिकु रिएक्शन साम्हूं आयो जहांगीर तरीन साहब जे तरफ़ां, त जहांगीर तरीन साहब जी ॻाल्हि ॿोल मां खे ॾेखारियो था, उनखां पोइ ॻाल्हि ॿोल खे कंटिन्यू कयूं। किसी के खिलाफ बात करना पसंद नहीं करता, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तरीके साफ कही हूँ। मैंने ये शाह महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी जी। मैं इसको ज़रूर देखूँगा और आपको मैं उसके जवाब भी दे दूँगा। जवाब देने के काबिल कोई नहीं है। मैं काम कर रहा हूँ पाकिस्तान तरीके साफ के लिए। मुझे कोई ना अहदे की ज़रूरत है इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए, पाकिस्तान तरीके साफ को कामयाब करने के लिए मैं अनथक मेहनत कर रहा हूँ और करता रहूँगा चाहे जो कुछ भी कहें। अगर उन्होंने ये बातें की हैं तो मैं उनके ऊपर इजहार अफसोस कर सकता हूँ, अपनी तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी, क्योंकि ये वक्त नहीं है कि पार्टी में इस तरह की बातें करके और दिखाएँ कि कोई इख्तलाफात हैं। हमेशा पार्टी में लोगों का एक ओपिनियन होता है, मैं कुछ समझता हूँ ये सही है, आप समझते हैं ये सही है, और आपस में बैठ के बात करते हैं। इस तरह से आके बातें करना जो है ये नाजायज़, ये गलत है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो पार्टी के मामलात को बाहर आके मीडिया के सामने बातें करें। मैं अपनी बात करता हूँ जहाँ पे करने की ज़रूरत होती है और जहाँ पे फ़ायदा होता है। मैं बाहर आके बढ़के नहीं मारता कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मगर मैं मेहनत बहुत करता हूँ पार्टी के। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ऑन अबाउट रफी साहब, मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने जो बताया है कि बहुत से हल्के ऐसे हैं जहाँ पर उनको तहफ़ात हैं, और मेरे ख्याल शाह महमूद साहब को उनके तहफ़ात दूर करने चाहिए। इससे बेहतर नहीं है कि दूसरों पर इल्ज़ाम लगाएं। वो तहफ़ात अपने ही ज़िले के, अपने ही शहर के उन लोगों के साथ बैठ के, नज़रियाती कारकुनों के साथ बैठ के मुनसफाना तरीके से उनको हल करें। पूरी तरीका टिकटें हासिल करने का तो कोशिश हर आदमी की कोशिश होती है। अब अगर कोई धरना देना चाह रहे हैं तो धरने का ये सियासत हमने ही शुरू की है इस मुल्क में, तो हम इसको बिल्कुल बुरा नहीं समझते। अगर कोई करना चाहता है ज़रूर करें। जी व्यूअर्स, अवां ॾिठो त इख़्तिलाफ़ जेके आहिनि जहांगीर तरीन साहब में शाह महमूद कुरैशी साहब विच में खुलियल तौर ते साम्हूं अची विया आहिनि। ऐं PTI जेका हमेशा तब्दीलीअ जूं ॻाल्हियूं कंदी आहे त उनखे ज़रूरु मेच्योरिटी जो मुज़ाहिरो करणु घुरिजे, छाकाणि त अहिड़े क़िस्म जा इख़्तिलाफ़, अहिड़े क़िस्म जा रवैया, अहिड़े क़िस्म जे जंग जो मैदान बणियल रहणु PTI लाइ इहो तमामु घणो हिकु नुक़सान जी सूरत हाल पैदा थी सघे थी, छाकाणि त
इलेक्शन थियण वञी रही आहे ऐं पीटीआई ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नवाज़ लीग या मुल्क जी जेके ॿियूं पार्टियूं आहिनि उन्हनि खे एटलीस्ट हिन वक़्त में तमामु घणी मेच्योरिटी जो मुज़ाहिरो करणु घुरिजे। ईंदड़ प्रोग्राम में मुख़्तलिफ़ इशूज़ सां गॾु हाज़िर थींदासीं। फ़िलहालु हमीदा रशीद खे ॾींदा इजाज़त। अलवाही।